खुशियों की गुल्लक राशि। ये ईवीएस का सब्जेक्ट इतना हार्ड एंड बोरिंग क्यों है? लेकिन कन्नू, इस बार ना तो इसको बाय हार्ट करके रहेगी बस। हेलो माय डियर सिस्टर, इतनी कंफ्यूज क्यों लग रही यार? बंटू, ये ईवीएस का सब्जेक्ट ना मुझे याद ही नहीं हो रहा, और कल ना कोचिंग में इसका टेस्ट भी है। कल इसका टेस्ट है? ओ तो वनडे कब है? क्या मतलब? तूने तो बोला कल टेस्ट है, तो वनडे मैच कब होगा? एक तो मुझे ईवीएस का सब्जेक्ट याद नहीं हो रहा है, और ऊपर से तू इतने गंदे जोक्स मार रहा है। अरे तू चिल मार, एक काम कर, तू थोड़ा है ना ब्रेक ले ले। नहीं यार, शाम को पूजा है, सब लोग घर में आएंगे, और फिर हम लोग रात को पटाखे भी तो जलाएंगे ना। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, मैं अभी पढ़ लेती हूँ बस। मेरी माँ 5 मिनट के लिए ना ब्रेक ले लेगी ना, तो कुछ नहीं बिगड़ जाएगा। टीवी देख ले, देख थोड़ी है ना फ्रेश हो जाएगी तू। हाँ ये भी सही है, चल टीवी चल। ये देख। बंटू प्लीज यार, ये इंग्लिश न्यूज चैनल मुझे समझ में नहीं आता, चेंज कर इसको चल। अरे देख ना, तेरी इंग्लिश में मेरी तरह माइंड बॉबलिंग हो जाएंगी। बंटू प्लीज चेंज कर प्लीज। हाँ ठीक है मेरी माँ, ले। ओए एक स्क्रीन स्क्रीन। साइवे का एडर है, रुक 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 रुक। हाँ रे। विशाल बैंड का भी क्या कहना, ये बैंड दमदार है, सुरों की झनकार है। तो शादी पे हमें करें बुक, क्योंकि ये बैंड बैंड नहीं है यार, ये है खुशियों की फुहार। हाँ बड़ा मजा आया। वैसे एक बात बताऊं, ये साहिल भैया की ऐड देखकर मैं बहुत फ्रेश हूँ। अब लगता है कि मुझे ये बोरिंग सब्जेक्ट शायद याद हो जाए। चल मैं पढ़ती हूँ। मैं जा गया ना किचन में, देख गया तो खाने के लिए क्या। अरे नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। धनतेरस की शुभकामनाएं, ये लीजिए मैं आपके लिए मिठाई लाई हूं। धन्यवाद। ये लो प्रसाद। पूजा हो गई? अरे बेटा ये तो रोज की पूजा है, धनतेरस की पूजा तो रात में होती है। ओ वैसे मैंने ज्यादा पूजा नहीं की है, दादाजी पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते थे, पर दादी के जाने के बाद सब बंद कर दिया। नर्मदा मैया की कसम दीदी, मैं सच बता रही, जब भी मैं इसे अपने यहाँ पूजा के लिए बुलाती थी, ये पगलिया कोई ना कोई बहाना बना देती थी। अब आप ही करवाई है इससे पूजा। कोई बात नहीं, अब साथ मिलकर करेंगे। पता है आंटी, मैंने बहुत दिवाली देखी है, पर आज पहली बार त्योहार के आने की खुशी फील हो रही है, सब लोग साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ सच दीदी, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, नर्मदा मैया की कसम, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिएगा आगे भी सब कुछ अच्छा होगा। हाँ हाँ। आशीष भटनागर जी, ये आपके लिए। एक मिनट। लीजिए। ये किसने भेजा है? इस पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। एक महिला आश्रम से कुछ औरतों ने भेजा है आपके लिए और विशेष जी के लिए। वो कह रही थी कि आपने उन्हें पटाखों की फैक्ट्री से बचाया था। ओह, उन्होंने भेजा है। लाइए लाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अंकल आंटी ये देखिए, ये दिए ये पटाखे ये सब उन्होंने अपने हाथों से बनाकर भेजे। बड़ा सुंदर है।
बेटा हर साल की तरह गए साल के धनतेरस के दिन पैसों से भरी हुई गुल्लक हम तोड़ के नहीं रखेंगे, साल भर उसमें पैसे जोड़ेंगे। ये ट्रेडिशन की शुरुआत तूने ही बचपन में की थी, याद है ना? याद है। ये ले बेटा। और हाँ, पूजा के लिए तो तेरी वेट कर, जल्दी से आ जा। ये देखो, जब भी तुम ऐसा लगे कि मैं तुम पर कोई फेवर कर रही हूं तो इसके अंदर एक सिक्का डाल देना, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी मैं ये थैंक्स यूज कर दूंगी। आशी, आशी को दिवाली की खुशियां दिया है मेरी तरफ से। हाँ भाई, वो खराब पटाखे उस विशेष और आशी की पूरी जिंदगी जलाकर राख कर देंगे। बस एक पटाखा जला पूरा घर तबाह हो जाएगा। विशेष आशी, बूम। अब दिवाली के दिनों जब पंगा लिया ही है बल्लू से, हम अपने संस्कार कैसे भूल सकते हैं? अब दुश्मन को भी तो दिवाली की बधाइयां देनी ही पड़ेंगी मुन्ना। वाओ, धमाकेदार दिवाली का पूरा पैकेज है इस गिफ्ट के अंदर। ये देख कितने सारे पटाखे। चलो, ये साल दिवाली पे हमारे पटाखों के पैसे बच गए। हाँ, मैं तो इस बार रात को बहुत सारे पटाखे चलाने वाली हूँ। मैंने कहा था ना, अगर हम अच्छा करेंगे ना तो भगवान हमें फल देगा, लेकिन ये टाइम तो फल पार्सल होके आया हमारे घर में, एप्पल के साथ एप्पल छाप पॉम। आशी, ए आशी, बाप रे, अरे बाप रे, ये ग्रीन सलवार सूट में तो आप बिल्कुल ग्रीन सूट की पटाखा लग रही हैं। हाय गुलाब, सही? हाँ, गुलाबी है, पिंक। हाँ हाँ, तो क्या हो गया, पिंक की बॉम लग रही है। साहिल, तू भी ना। वैसे आशी कहाँ है? आशी कहाँ होगी, आईने के सामने अपने आप को निहार रही होगी। उसे तो अब तक ये डिसाइड नहीं किया होगा कि उसे पहनना क्या है। आ जाएगी अगले साल धनतेरस पे, आ जाएगी। एक बात कहूँ आपसे, आज बच्चों को हंसता खेलता देखकर टुकुर आशीष और मानसी की बहुत याद आ रही। देखो प्रभा, आज के दिन हमें दुखी नहीं होना है, हालांकि दुखी होने के बहुत से कारण हैं, लेकिन खुश रहने की वजह भी है। उन बच्चों को देखो, हमें उनके लिए खुश रहना है, नहीं तो खामखा हमारी चिंता करेंगे। हैप्पी दिवाली बंटू, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली भैया, हैप्पी दिवाली साहब, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली जबरू आंटी। हाय गुलाब, ये क्या कर रहे हो? अरे हमारे यहाँ छोटों को पैर छूने का रिवाज नहीं है। हाँ नहीं तो, और वैसे भी नर्मदा मैया की कसम, मैं तो तुमसे भी छोटी हूँ। अच्छा, आप ऐसा कहती हैं तो ठीक। हैप्पी दिवाली अंकल, हैप्पी दिवाली आंटी, जीते रहो, खुश रहो, जीते रहो बेटा। वो मम्मी पापा ने आप लोगों के लिए दिवाली के गिफ्ट्स भेजे। विशेष भैया, मेरा गिफ्ट कहाँ है? चुप कर, पहले मेरा, लेडीज फर्स्ट। हाँ तो तभी तो बंटू ने पहले बोला था। ये लो, इसमें तुम दोनों के गिफ्ट। साहिल, ये तेरा। मम्मी, थैंक यू। चबलू आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू अंकल आंटी।
ये आप दोनों के लिए। अरे हमारे लिए लाने की क्या जरूरत थी बेटा? आंटी आज दिवाली है, आज तो बनता है। शुक्रिया। लगता है विशेष की नजरें आशी को ढूंढ रही है। आशी, आशी बेटा जल्दी आ जाओ बेटा, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लो आ गई। भारतीय नारी कितनी सुंदर लग रही है मेरी गुड़िया रानी। हाँ बहुत प्यारी लग रही हो बेटा, तुम्हें किसी की नजर ना लगे। आशी दीदी यू आर लुकिंग टू ब्यूटिफुल Just like me. दिया बहुत अच्छे लग रहे हैं। Thank you. Happy Diwali, विशेष। Happy Diwali. वैसे मैं आज कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो अब ये महारानी आ गई है तो हम पटाखे फोड़ने चले। हाँ। अरे बेटा पहले धनतेरस की पूजा तो कर लो। हाँ चलो। हाँ, सही। आओ बच्चे आओ बेटा, यहाँ चलो बताते हैं ना। यार मेरी गलती थी, दियो के बाजू में ऐसे पटाखों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए था। इट्स ओके चल। बोलो कुबेर देवता की जय। अंकल हम धनतेरस के दिन सोने चांदी की पूजा क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है बेटा। धनतेरस के दिन हम माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करते हैं ताकि इन दोनों की कृपा दृष्टि सारा साल हमारे जीवन में बनी रहे। अब धन का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये तो आप सब जानते ही हैं। धन की वजह से हमारे जीवन में खुशी और निश्चिंतता आती है, इसीलिए हम धनतेरस के दिन भगवान कुबेर की पूजा करते हैं और बाद में लक्ष्मी जी का आभार व्यक्त करते हैं। अरे वाह बहुत बढ़िया जानकारी दिए हो। हाउ इंटरेस्टिंग ना।
मुझे तो दादाजी ने ये सब कभी बताया ही नहीं था। वैसे थैंक यू अंकल, अब मैं ना मेरे पापा के पास जाऊंगा और उनको ये सब बातें बताऊंगा और देखना वो बहुत खुश हो जाएंगे। एटलीस्ट उनके साथ बात करने के लिए मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी। हाँ तो पूजा आरंभ करें। जी। जीते रहो बेटा, खुश रहो। जीते रहो बेटा। थैंक यू। और ये तुम्हारे लिए बेटा। अंकल, ये पेंडेंट। बेटा जी तो चाह रहा था कि तुम्हें सोने से लाद दे। सपने इतने बड़े हैं लेकिन अंकल ऐसा क्यों कह रहे हो? प्यार तोहफों से नहीं दिखाया जाता। प्यार तो एक एहसास है जो मुझे हर पल अब दोनों के पास होने से महसूस होता है। क्यों लाया आप ये तोहफा? कितना कुछ किया है तुमने हमारे लिए, प्यार से किया ना? क्या ये प्यार लौटाने का अधिकार हमें नहीं है? आंटी, ये आपके हाथ की अंगूठी कहाँ गई? ये आपके हाथ की अंगूठी कहाँ गई? बेटा वो आपने ऐसा मेरे लिए अपनी शादी की अंगूठी बेटा, अगर छोटी सी अंगूठी गिरवी रखने से ढेर सारा प्यार मिल गया तो ये तो बड़े ही फायदे का सौदा है। आंटी
एक मिनट। आशी अंकल आंटी ये चेन देख रहे हो? ये मुझे दादाजी ने गिफ्ट दी थी, मैंने आज तक नहीं पहनी। आज मैं चाहती हूँ कि ये चेन आप मुझे अपने हाथों से पहनाएं। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी। थैंक यू नहीं कहते,